हेलो दोस्तों, मैं आज एक नई वीडियो के साथ मैं हूं शौर्य और आप देख रहे हैं शौर्य कंप्यूटर। सो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टेबल टॉपिक, और ये जो टेबल टॉपिक है ये पूरी कैलकुलेटेड टेबल है, मतलब इसमें कैलकुलेशन होती है और आप एक डिजिट को चेंज करते ही बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन काफी इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आप साइड में देख सकते हैं कि फॉर्मेट है जो कि बच्चों की बुक में यूज होता है, और ये फॉर्मेट दिखने में तो काफी इजी लगता है बट लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिपिकल होता है, क्योंकि जब आप छोटे लेवल पे अगर करते हैं तो आप कर सकते हैं, मतलब डिजिट ऐड कर सकते हैं, बट जब ये पूरी बुक रेडी करनी होती है कुछ इस तरीके की तो आपको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है अगर आप ऐसी बुक बना रहे हैं, या फिर आपको ऐसी बुक चाहिए या फिर आपको कैलकुलेशन करनी है, अदरवाइज आप मतलब आपके अकॉर्डिंग फील्ड आपके अकॉर्डिंग इसको यूज करेंगे। सो गाइस, आज हम इस टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं और ये टेबल सिखाने वाले हैं एमएस एक्सेल पर। तो गाइस, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं इस अमेजिंग टॉपिक को। मिलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और कंप्यूटर स्क्रीन पर आने के बाद देखिए, यहाँ से मैंने ओपन कर लिया है एमएस एक्सेल को। तो यहाँ पर आप ये शीट देख सकते हैं, एक्सेल ओपन हो चुका है प्रॉपर तरीके से। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको प्रॉपर दिखाई दे। तो यहाँ पर गाइस देखिए, मैं आपको बता दूं, आपने एक चीज देखा होगा, मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ। देख सकते हैं, मैंने एक फॉर्मेट रेडी करा है, और आपने, मैं मानता हूँ आपने वाला फॉर्मेट जरूर देखा होगा जिसके अंदर इस तरीके से सीरीज एक लाइन लिखी होती है नंबर की, उसके बाद इनटू लगा होता है, 1 2 3 लिखे होते हैं, इक्वल टू और एंड में आंसर होता है। तो ये बच्चों की बुक में होता है और इसका यूज जो है टेबल सीखने के लिए किया जाता है। पर लेकिन देखिए, यहाँ पर यही पैटर्न सेम हम यहाँ पर बनाएंगे, लेकिन डिफरेंस क्या होगा, अगर हम यहाँ पर किसी वैल्यू को चेंज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो वो उसके अकॉर्डिंग एकदम यहाँ पर टेबल आपका रेडी हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक और बताता हूँ, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 8 और नीचे कर देते हैं 16, दोनों को सेलेक्ट करके नीचे ड्रैग कर देंगे तो देखिए इस तरीके से टेबल बन जाता है। बट लेकिन ऊपर वाली वैल्यू को अगर हम ऐसे चेंज करके एंटर करेंगे तो ये उसका टेबल नहीं बनेगा। पर हम चाहते हैं जैसे कोई वैल्यू एंटर हो, एंटर प्रेस होते ही उसका टेबल यहाँ पर क्रिएट हो जाना चाहिए, टेबल यहाँ पर क्रिएट हो जाना चाहिए। तो कैसे होगा, तो यहाँ पर आए इस टॉपिक को ध्यान से देखिए, काफी कमाल का टॉपिक है। तो इसके लिए, इस टॉपिक को यूज करने के लिए दो कंडीशन है, और वो पहली कंडीशन ये है कि यहाँ पर हमें एक सेल मानना पड़ेगा, मतलब एक सेल के बेस पे अगर हमें चलना है तो एक सेल हमें लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक सेल ले रहे हैं B2, आप देख सकते हैं सेल लिया हमने B2, और अब पहली कंडीशन हमारी पूरी हो गई है। दूसरी कंडीशन ये है कि हमें इस सेल के अंदर कोई ना कोई वैल्यू को ऐड करना है, क्योंकि देखिए खाली सेल के बेस पे तो नहीं चल सकते ना, तो कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम वैल्यू डाल देते हैं 5। तो हमने एक सेल माना है B2 और वैल्यू डाल दी इसके अंदर 5। तो अब जो ये सेल माना है, पूरी जितनी कंडीशन लगेंगी उतनी कंडीशन में इस सेल को हमें बार बार जरूर लेना है। तो देखिए, जो सेल ये वाला भर चुका है, इसके नीचे यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट बिहाफ टू B2 इक्वल टू, अगर B2 में ब्लैंक है तो ब्लैंक ही आए, अदरवाइज जो B2 में लिखा है वही आना चाहिए, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए यहाँ पर 5 आ गया, इसको नीचे ड्रैग कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर हम अगर कुछ डिजिट डालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली नीचे वही कन्वर्ट कर देगा कुछ इस तरीके से। मैं एक बार और दिखा रहा हूँ फॉर्मूला, इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट बिहाव टू B2, देखिए वही सेल हमने लिया है, जब भी कंडीशन देते हैं तो इक्वल टू लगाते हैं, B2 में ब्लैंक है तो ब्लैंक ही आए, अदरवाइज जो B2 में लिखा है वही आ जाए, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए जो B2 में है वही आ गया, तो ये पहली वाली लाइन हमारी पूरी हो चुकी है। अब देखिए सेकंड लाइन, आप देख सकते हैं यहाँ पर इनटू का सिंबल है, तो यहाँ पर सिंबल लगाएंगे, दोबारा देखेंगे, इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट बिहाव टू B2 इक्वल टू, B2 में ब्लैंक है तो ब्लैंक आए, अदरवाइज। यहाँ तक देखिए, जहाँ मैंने फॉर्मूला लिखा है यहाँ तक आपको जितनी ये लाइनें यहाँ पर आपको दिख रही हैं उतनी बार ये फॉर्मूला लगाना है, मतलब 5 लाइन है तो 5 टाइम फॉर्मूला हमें जरूर लगाना है, और उसके अंदर इतनी लाइन जरूर लिखनी है, देन लास्ट में यहाँ पर चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पर ये सिंबल है, मैं आपको बता दूँ, जब कोई नंबर होता है तो उसे डायरेक्ट लिख देते हैं, और कोई सिंबल होता है तो उसको कोट के अंदर लिखते हैं, मतलब जो कोट बन रहे हैं, ये जो ब्लैंक बन रहा है इसके अंदर किसी सिंबल को लिखा जाता है। तो मैं कोट बनाऊंगा और यहाँ कर दूंगा इनटू, कोट क्लोज और ब्रैकेट क्लोज एंटर, और इस इनटू को नीचे ड्रैग कर लेंगे। मेन मोटिव हमारा इससे देखिए शीट से क्या है, मैं एक बार इसको ड्रैग करके बता दूं, देखिए ब्लैंक है तो ब्लैंक है, अदरवाइज कुछ भी लिखा है तो इस तरीके से इनटू आया और वहां पर वही डिजिट आनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमें दिखाना है 1 2 3 4, तो 1 के लिए देखिए पहले फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट बिहाव टू B2 इक्वल टू, B2 में ब्लैंक है तो ब्लैंक ही आए, अदरवाइज। जैसे मैंने अभी कहा था कि कोई नंबर है तो उसे डायरेक्ट लिखते हैं, और कोई सिंबल है तो उसे कोट के अंदर लिखते हैं, तो यहाँ पर ये नंबर है, नंबर को डायरेक्ट लिख देंगे 1 और ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए दो फॉर्मूले को पकड़ के हम एक साथ नीचे ड्रैग नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पर
यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला और लगाना पड़ेगा, अगर मैं वन को पढ़ के नीचे ड्रैग करूंगा तो ये वन वन ही आता चला जाएगा, इसलिए यहाँ पर टू के लिए एक बार और लगाएंगे फॉर्मूला, इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट वी हैव टू बी टू, आपको इस सेल को नहीं छोड़ना है जो सेल आपका बेस है, इक्वल टू बी टू में ब्लैंक है तो ब्लैंक ही आए, अदरवाइज जो भी देखिए वन जो लिखा है यहाँ पर ये डी टू में लिखा है, तो जो भी डी टू में लिखा है उसमें बस एक डिजिट प्लस वन हो जाए एंड देन ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ पर एक डिजिट देखिए प्लस वन हो जाएगी और दोनों को सिलेक्ट करके नीचे इस तरीके से हम ड्रैग कर देंगे, तो यहाँ पर ये नंबर आ गए। अब देखिए जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर सिंबल के लिए लगाया था सेम वही फॉर्मूला हम यहाँ पर भी लगाएंगे इज इक्वल्स टू के लिए, तो यहाँ पर ऐसे क्लिक करते हैं इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट वी हैव टू बी टू इक्वल टू बी टू में ब्लैंक है तो ब्लैंक ही आए अदरवाइज कोड के अंदर इक्वल टू आए, तो देखिए सिंबल है तो कोड के अंदर आ गया और एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर ये सिंबल आ गया, इसको ड्रैग करके नीचे से अप्लाई कर देंगे। लास्ट में हमें आंसर दिखाना है तो आंसर के लिए देखिए इज इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट वी हैव टू बी टू इक्वल टू बी टू में ब्लैंक है तो ब्लैंक ही आए अदरवाइज, तो यहाँ पर एंड में क्या करना है जिस सेल को मान रहे हैं मतलब बी टू को मान रहे हैं तो बी टू की मल्टीप्लाई हो जाए इस नंबर से, ये जो नंबर लिखा है ये लिखा है डी टू में, तो बी टू की मल्टीप्लाई टी टू से ब्रैकेट क्लोज और एंटर, इसको ऐसे पकड़ के नीचे ड्रैग कर दीजिए और ये आपकी शीट रेडी होगी। अब आप यहाँ देख सकते हैं जैसे मैं कोई वैल्यू चेंज करूँगा तो देखिए 9 का टेबल क्रिएट होगा, 45 का, 1.5 का टेबल, तो देखिए जो भी डिजिट आप यहाँ पर डालेंगे उसका टेबल रेडी होता चला जाएगा। देन आपको क्या करना है इस पूरे पार्ट को सिलेक्ट करके थोड़ा छोटा करना है, इसको ऐसे आप इस वाले पार्ट को ऐसे सिलेक्ट करना है, कॉपी करके एक सेल छोड़ के यहाँ पर कंट्रोल वी से पेस्ट, एक सेल छोड़ के कंट्रोल वी से पेस्ट, एक सेल छोड़ के कंट्रोल वी से पेस्ट, ये जो आ रहे हैं इनको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर जैसे देखिए इसको कर दिया हमने 2 का टेबल, इसको कर देते हैं 3 का, 4 एंड देन 5, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी शीट रेडी हो चुकी है कुछ इस तरीके की। एक बार इसका प्रिंट प्रीव्यू मैं आपको दिखा दूँ कंट्रोल F2 से, तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से शीट बन चुकी है, जो बच्चों के टेबल रेडी होते हैं तो कुछ इस तरीके से होते हैं। अब आप सोचिए अगर आपको ये सिंगल सिंगल लिखना होता तो कितना टाइम वेस्ट होता, बट लेकिन यहाँ पर कुछ सेकंड के अंदर ही ये टेबल क्रिएट हो गई है, तो इस तरीके से आप इस टेबल टॉपिक का यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक काफ़ी अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं हूँ शौर्य और आप देख रहे हैं शौर्य ब्लॉग्स, थैंक यू। Out there, hear me, hear me.